से बारिश हो रही है, लेकिन मैं आज का मौसम आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि रेगुलरली मौसम अब ऐसा ही रहने वाला है। और अब टाइम है दिन की शुरुआत करने का, चाय पीने का और बाकी काम करने का, तो उसमें लगते हैं। और मैंने सर धोया है जो कि गीला है, और अभी मुझे इससे प्रॉब्लम भी हो रही है, तो पहले सर सुखा लिया जाए। तो गाइस वो बन चुका है, और स्पेशली सावन में हम कंजक को भी भोग देते हैं, तो वो रखा है, वो दिखा। ये रखा हुआ है कंजक के लिए, और ये बन गया चाय। तो ये है नूनी घी, अगर आप गुजर हैं तो आपके घर में ये जरूर मिलेगा, वरना आप गुजर ही नहीं। मैं फ्री हो चुकी हूँ सारे काम से, और आपके साथ एक चीज शेयर करनी है। आपको पता है कि मैं अनुपमा देखती हूँ, और कल जब मैं अनुपमा देख रही थी तो सडनली उसके एंड होते ही ना एक और सीरियल चलने लगा, तो मुझे मतलब कोई पुराना सीरियल था तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई वो क्या है और मैंने आज तक क्यों नहीं देखा। बट फिर सडनली ये आए और इन्होंने बताया कि ये क्योंकि सास भी कभी बहू है, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा। उसका फर्स्ट एपिसोड था तो मैंने देखा ही नहीं है, मतलब अगर देखा भी होगा एक आधा एपिसोड तो बहुत लेट में देखा, तो मुझे पता ही नहीं है कि उसमें कौन कौन कैरेक्टर थे और क्या क्या रोल थे, तो वो देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो अभी मैं फिर से अनुपमा देख रही हूँ तो मुझे याद आ गया, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हम कुछ सामान लेकर आए थे और वो थोड़ा साइज में ऊंचा नीचा हो गया है, तो उसको चेंज करके आएंगे। तो अब हम चलते हैं मार्केट, और अभी तक तो सिर्फ यही पिंपल है मेरे, और देखते हैं कि मास्क के बाद अब कितने पिंपल और बढ़ते हैं, क्योंकि हर बार मास्क मुझे बहुत इरिटेट करता है। अभी घर पहुंचे हैं, और जैसे कि मैंने बोला था मास्क लगाने से पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। हालांकि मैंने मास्क इतना ज्यादा नहीं लगाया था, जहां मौका लगा मैंने मास्क उतार दिया था, लेकिन उसके बाद भी एक और पिंपल यहां बढ़ चुका है, और अब मैं इससे पूरी तरह तंग आ चुकी हूं। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, नहीं तो कोई अच्छी कोई दवाई यूज करनी चाहिए या मास्क लगाना छोड़ देना चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं। तो आज जब हम मार्केट जा रहे थे तो हमारे साथ एक मजाक हो गया। मैं और ये दोनों कमरे में थे और हम बाहर के लिए निकल रहे थे, सडनली कुंडी जो है वो जाम हो गई, वो खुली नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने दोनों ने कोशिश की, वो बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं थी, बहुत मेहनत की कुछ नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ी ठोका पीटी की, उसके बाद किसी तरह दोनों ने मेहनत करके उस कुंडी को खोल दिया, और वो कुंडी उसके बाद भी जाम, भाई धक्का मुक्की भी करनी पड़ी उसके बाद दरवाज़ा खुला। तो फाइनली इस कुंडी में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था उसी वक्त जाते वक्त, और अब ये इस हाल में है कि कुंडी को नॉर्मली खोल सकते हैं, वरना आज हम इस कमरे में फंस चुके थे। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो गाइज वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, कल जिस पेड़ के बारे में मैं बता रही थी कि उस पे फल लगे हुए हैं, वो जो भी नाम मैंने लिया था उस चीज का नहीं है, वो बेलपत्र है, आज ही मुझे पता चला है। और वो काफी सालों से है पेड़, लेकिन पहली बार सावन में ऐसा हुआ है कि उसमें फल लगे हैं, और देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो खाने को तो नहीं मिलने वाले, लेकिन कोई बात नहीं, देख के हम खुश हो लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, गुड बाय।